अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अभिहा और आज मैं आपको 4 साल की बच्ची का रखा बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास लेफ्ट ओवर कपड़ा था, ये तकरीबन आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो मैंने एक शर्ट सी थी उसमें से बचा है और साथ में ये पीसेस बचे हुए हैं जिसको मिला के हमने अंगरखे की कटिंग करनी है। मैंने जो अंगरखे की लंबाई है, इस कमीज की शर्ट की लंबाई जो है 24 इंच तैयार रखनी है, तो और इसकी जो विड्थ है वो 18 इंच रखनी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को नीचे जो रेड आइकन है उसको दबाएं और साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये मेरे पास पीसीज बचे हुए हैं। अक्सर हम लोग जब डिज़ाइनर सूट लेकर टीन एज गर्ल का काटें या फिर दुबली पतले किसी खातून का बनाएं तो उसमें से बहुत सारा पीस बच जाता है जो हम ज़ाया नहीं करना चाहते, उसके हम छोटे बच्चों का बहुत आसानी के साथ फ्रॉक्स वगैरह बना सकते हैं। ये भी इसी तरह मैंने एक टीनेज गर्ल का सिया था तो उसमें से ये कपड़ा बचा था। इसमें से अब हम शलवार का पीस और मिला के शर्ट का पीस तो अंगरखा की कटिंग करेंगे। ये एक पीस मेरे पास बड़ा पीस है, ये तकरीबन 1.25 मीटर का है। इसमें हम बाजू और बैक साइड बनाएंगे और ये एक पीस मेरा साइड पर बचा हुआ था तो इसमें से हमने फ्रंट निकाला है इसके साथ मिला के। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ मैंने 24 इंच तैयार रखनी है तो उसकी 26 इंच टोटल होनी चाहिए हमारे पास लेंथ, ये तो 26 इंच ही है ताकि हम इस 2 इंच की हमारे पास फोल्डिंग भी आ जाए। इसको मैं अलग कर लूँगी। इसकी हम विड्थ चेक कर लेते हैं, इसकी विड्थ कितनी है। इसकी विड्थ है हमारे पास 12 इंच। हमने अंगरखा बनाना है जिसकी विड्थ है हमारे पास 18 इंच और इसका हाफ होता है हमारे पास 9 इंच। अंगरखा बना रहे हैं, अंगरखा थोड़ा ओवरलैप करके आता है तो ये हमारे पास जितना पीस है ये 12 इंच हमारे पास पीस है, इसको सारे को रख लेंगे। ये 9 इंच हमारे पास तैयार आना चाहिए और ये 3 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये 3-3 इंच का पीस मैंने इसमें अलग से इसको एक्स्ट्रा रख लिया है। अब मैंने दूसरा पीस लेना है, दूसरा पीस भी हम इसके बराबर का निकालेंगे। ये मेरे पास ट्राउजर की कटिंग की थी उसमें से पीस बचा हुआ है, हम इसमें से देखते हैं कि हमारे पास ये इतना पीस एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं। पहले हम लेंथ अलग कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक साइड से मैं इसको स्ट्रेट कर लूंगी और दूसरी साइड से तकरीबन मैं इसको वैसे ही रहने दूंगी। ये हमारे पास थोड़ा सा अरेब हिस्सा है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। कंधे की कटिंग भी हो जाएगी और इसके अगर आप दरमियान में रख लेती हैं तो इसमें गले की कटिंग भी हो जाएगी, लेकिन मैं इसको साइड पे रखूंगी। इसकी कंधे की कटिंग और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। नीचे से हमारे पास ये वैसे भी स्ट्रेट है और अंगरखा हमेशा उल्टी साइड पर बनता है डिज़ाइन, तो हम ये इसको इस तरह रखेंगे इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह हमने इसी साइज का 18 इंच घेरा और 26 इंच लंबाई का हम इसका बैक पार्ट भी निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये इधर वाला हिस्सा जो है सारा एक्स्ट्रा कपड़े का है जो हमने ऊपर नीचे ओवरलैप करके रखना है। ये देखें, ये हमारे पास जो तिरछापन था ये इस साइड पे आ गया है। इस साइड पे हमने कंधे की कटिंग करनी है और इस साइड पे हमारी ये दरमियान की फोल्डिंग है। अब मैं बैक साइड इस पर एडजस्ट करूंगी। ये बैक साइड है मेरे पास,
इसको मैंने यहां से मिला के रखना है, और ये हमारा साइड जो है ये हमारी ओवरलैप करने के लिए बनाने के लिए हमने ये साइड रखी है। अब यहाँ पे मैंने कंधे की और तीरे की निशान लगाया हुआ है, 5.5 इंच पे मैंने तीरा लिया है और 6.5 इंच पे मैंने इसका कंधा लिया है। कंधा लेके इसको शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमारे पास वो जो तिरछापन था इसका, ये खत्म हो गया है। और यहां से अब हम जब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हमारी फिटिंग में आ जाएगा। यहां से 8.5 पे मैं निशान लगा लेती हूँ और यहां से हल्की सी शेप दे देंगे। चाक आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बच्चों के चाक छोटे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते। तो मैं इस पे 9-9 इंच पे निशान लगा लूंगी। अब बैक साइड को हम एक साइड पे कर देते हैं, अब हमने इसकी जो फ्रंट का अंगरखा बनाना है उसकी कटिंग करनी है। ये मैंने इस साइड पे निशान लगाया हुआ था कि कितना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है। आप इसको प्रेस करके भी निशान लगा सकते हैं और इस तरह हाथ से भी इसको ड्रा कर लें। ये हमारा पीस एक्स्ट्रा है और ये हमारा जो है ये ओरिजिनल जो हमारी चुड़ाई है वो है। अब हमने जो नेक काटनी है वो इस साइड से काटनी है। नेक का साइज जो है छोटा बड़ा जितना भी आपने रखना हो वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ से 2.5 इंच पे लूंगी, मैं यहाँ से 2 इंच पे लूंगी इसकी चुड़ाई विड्थ, और इसकी लंबाई जो है मैं 4 इंच पे लूंगी। आप इसको यहाँ से वी भी बना सकते हैं और दूसरी शेप थोड़ी सी गुलाई वाली शेप भी दे सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको वी कर लिया है और इसी वी को हम आगे जहां तक आपने इसकी नोक बनानी हो जहां से वहां तक ला सकते हैं। इसको मैं इसी तरह करके पूरा नीचे तक वी ले आऊंगी। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उस पर भी इसको इसी तरह हम कट कर देंगे। अब इसको ऐसे ओवरलैप करके रखना है कि इसका घेरा जो है हमारा पिछले घेरे के बराबर आ जाए, पिछली कमीज की विड्थ जो है उसके बराबर हमारा घेरा आना चाहिए। हमने 18 इंच रखा था तो 18 इंच इसका घेरा होना चाहिए। अब हमने जो 3-3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था इसको इस तरह ऊपर नीचे करके इसको मिला के रखना है, और वो 3-3 इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो इस तरह ऊपर ओवरलैप कर देना है। अब हम इसकी बाजू काटेंगे। बाजू काटने के लिए आम नॉर्मली जिस तरह भी बाजू काटते जाते हैं उसी तरह काटेंगे। बाजुओं की लेंथ जो है हमने 12 इंच तैयार रखनी है और इसमें 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई का मार्जिन। ये मेरे पास टोटल 27 इंच है, इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ। और इसकी विड्थ जो है बाजू की 7.5 रखूंगी। ये लाइनिंग में डिजाइन है इसलिए इसको अलग अलग करके कटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम इसी तरह इसको फोल्ड करके कट कर देंगे तो इसका जो एक बाजू है उसका डिजाइन नीचे को होगा और एक बाजू उसका डिजाइन ऊपर को होगा। बाजुओं की लेंथ हमारे पास थोड़ी सी कम है, इस पे मैं सिंपल कपड़े का थोड़ा सा छोटा सा पैच लगाऊंगी 2-2 इंच का। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये मैंने पट्टी ले ली है जिसकी लंबाई जो है 32 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास 2.5 इंच है। अब इसको हम इस पे शर्ट के साथ अटैच करेंगे। अब इस पट्टी को हमें नेक वाली साइड पे रखना है जहाँ से हमने नेक काटी थी, सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिला के इस तरह रख के हम 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन दे के हम सिलाई लगा देंगे। स्ट्रेट पट्टी है, स्ट्रेट पट्टी को ही हम लगा रहे हैं। जहाँ तक हमारे पास ये तिरछी है, तिरछा हिस्सा हमने काटा है वी शेप, वहां तक करके इसको मशीन को उठा के पाओ को फिर हम इस तरह लेके सिलाई लगा देंगे। अब हमने पट्टी को उल्टी साइड पे मोड़ना है। उल्टी साइड पे मोड़ के अच्छी तरह आप या तो प्रेस कर लें, और यहाँ जहाँ पे हमारी ये वी खत्म हो रही है वहां पे हमारा जो स्ट्रेट पट्टी है थोड़ी सी कट्ठी होगी,
उस पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि वो एडजस्ट हो जाए। बस इस वी से लेके हमने एक और जो स्ट्रेट पट्टी लगाई है उस पे भी एक वी ड्रा कर लेंगे। तकरीबन हाफ इंच के करीब हमारे ऊपर से इसकी चौड़ाई होगी इस तरह। उस पे हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम पिछली साइड पे इसको बैठाएं तो अच्छी तरह बैठ जाए। सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे इस तरह। अच्छी तरह हम इसकी कॉर्नर निकाल लेंगे। कॉर्नर निकालने के बाद इस तरह ये देखें कितनी अच्छी से एडजस्ट हो गई है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सिलाई के अंदर आ गया है। ये देखें बिल्कुल भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। इधर स्ट्रेट पट्टी हमने लगाई है लेकिन वो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। फोल्ड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह प्रेस भी कर लिया है। इसको अब इस तरह एक दफा फोल्डिंग और करेंगे और इस पे रख के हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इस पे सिलाई लगा ली हूँ। इस सिलाई को हम इस तरह एंड तक लगा देंगे। अब कॉर्नर पे आके हमने इसी तरह इसको फोल्ड करते हुए इस मशीन को मोड़ लेना है और एंड तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमने इसका दूसरा पार्ट भी तैयार करना है और फिर इसको आगे से ओवरलैप करके फिर रखेंगे हम। ये मैंने सेकंड पार्ट भी तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसको ऊपर नीचे रख के इस पे पिंस लगाएंगे ताकि ये हिले ना और इकट्ठा हो जाए हमारे पास कपड़ा। और फिर हमने इसके ऊपर टिच बटन अटैच करके फिर हमने इसको साथ जोड़ना है। इसको इस तरह एडजस्ट करना है ओवरलैप करके कि हमारा जो नीचे से घेरा है वो 18 इंच आ जाए। ये हमारे पास 18 इंच आ गया है। ये 3 इंच हमने ओवरलैप करके रखा है इस तरह। लेकिन जब हम इसको ओवरलैप करेंगे 3 इंच अगर हम रखते हैं तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवरलैप होता है क्योंकि पट्टी बननी होती है। यहाँ से हमारे पास 18 इंच हो गया है। यहाँ पे हम पिंस लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं टिच बटन लगाऊंगी। इनको टिच बटन से मैंने अटैच करना है, एक इधर और इस किनारे पे और एक इधर और एक इधर करके हमने टिच बटन लगा लेने हैं। यहाँ पे हमने टिच बटन लगाने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो हमने इसको ओवरलैप करने के बाद जहाँ पे हमारा ये कॉर्नर आ रहा है, एक हमने बटन यहाँ पे लगाना है और एक इस कॉर्नर पे लगाना है और इसका बाकी का ऊपर वाली साइड पे। और इसी तरह हम एक एक बटन जो है यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए। इसके ऊपर हमने ये बना के टसल बना के नहीं लगाना। इसके बाद हमने अब मैं फिलहाल पिंस लगा रही हूँ, टिच बटन में बाद में लगाऊंगी। इसके बाद हमने कंधे ज्वाइंट करने हैं। कंधे ज्वाइंट करने के बाद स्लीव्स जिस तरह हम लगाते हैं बच्चों के वैसे स्लीव्स लगा के साइड की सिलाई लगाएंगे और मैं आपको पूरी फिनिशिंग करके इसको दिखाती हूँ। हमने पूरी शर्ट तैयार कर ली है। बाजू भी अटैच कर लिए हैं और इसके टिच बटन भी लगा लिए हैं। ये देखें और इस पे देखें, ये इस तरह टिच बटन लगाए हैं जो खोलने से ये शर्ट को ओपन कर देंगे। आप चाहें तो इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप इस पे रख के सिलाई लगा दें और इसको फुल बंद कर दें। यहाँ पे रख के आप सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ पे रख के आप सिलाई लगा सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भी भूलिएगा।
और अगर आप पहली दफा मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी दबाएं और उसमें ऑप्शन आल को दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।